हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एचपी पटवारी रिजल्ट के बारे में कि वो अब तक क्यों नहीं आया है और कब तक आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को हुआ है। ठीक है, इसके एग्ज़ाम के बारे में आपको सब कुछ पता है कि जो धांधली वगैरह हुई है, ठीक है, जो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू कुछ भी, तो ये प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, तो उनके चलते कईयों ने केस वगैरह भी कर रखा है, तो वो हाई कोर्ट में वो केस हो रहा है। ठीक है, तो जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती तब तक जो है वो रिज़ल्ट का आना पॉसिबल नहीं है। तो मेनली हो भी सकता है कि जो रिज़ल्ट है वो आ भी जाए। ठीक है, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ चलने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना एक रीज़न ज़रूर बताएं कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज सभी कई बच्चों के साथ गलत हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कईयों के इशू थे। ठीक है, और कईयों का रोल नंबर वगैरह नहीं लगा था, तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो अपना आप कमेंट ज़रूर करें और अपना रीज़न ज़रूर बताएं कि किस ये क्यों ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये रिज़ल्ट से रिलेटेड अब अपडेट है, तो ये जो दिसंबर में आपका रिज़ल्ट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है, तो अगर आप किसी का अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम वो कोई भी हो वो आने वाला हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपकी तैयारी करवा सकता हूँ। तो जो भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो उनकी मैं वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करूँगा, बट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।